हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। इराक में रहने वाली एक औरत थी, उस औरत का खामद फौत हो गया तो पांच बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। वो कहती है जब मैं पहुंची ना यहां तो अब तो इस्तकबाल आना जाना बड़े मामलात हैं, अब तो बच्ची की बारात आए और पांच सात दस बीस लोग दरवाजे पे खड़े ना हो तो बारात नाराज हो जाती है। कहते मारा इस्तकबाल ही किसी ने नहीं किया, तो इस्तकबाल तो अब इस तरह है जिस तरह नशा नहीं होता, ये इस्तकबाल की हालत है अमीरों से लेके गरीबों तक। मेरे मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने कुर्सी नहीं दी, आगे नहीं बिठाया, ये वाला मामला है। और मैं मेरी तरह के लोग नेक लोगों की बात नहीं करता, अब तो हम देखते हैं फलां मौलाना का इस्तकबाल हो रहा है, फलां के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, और अब तो मैं देखता हूं ऐसे ऐसे हाथ लहराते हैं सूफी और दरवेश कहलाने वाले जैसे सियासी लीडर लहराया करते थे। ये क्या तरीका हुआ, ये कौन सा तर्ज जिंदगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाहिश करे कि मैं आऊं और लोग खड़े हों वो तो जहन्नमी है, तो दोज़खी है। सारे वही तरीके हम इख्तियार करते जा रहे हैं, वही प्रोटोकॉल है हर जगह। वो लोग जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए थे वहां भी हर वक्त के लिए मामला तय हो गए। याद रखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहाँ है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर टाट का पर्दा लगा हुआ है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पे दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। तो उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक तानिम कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए, और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया, कैसे आई हो। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो थोड़ी देर में आ जाते, कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूँ, कहाँ रह गए थे। कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था, दौड़े गए कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजम है, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन, तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के सिरके से रोटी खाई है यही है। ये फरिश्तों की दास्तान नहीं, ये वो लोग हैं। मैं रात को भी कह रहा था एक जगह पे कि ये लोग जो है ना जिनका आप रोज शिकवा करते हैं हुकूमतें बड़ी खराब है, ये कोई नहीं खराब, बिल्कुल खराब नहीं, जितने सियासी लीडर है सारे सही हैं, खराब वो लोग हैं जो इन्हें वोट दे के लीडर बनाते हैं, बिल्कुल खराब नहीं। मैं तो इनके हक में होता जा रहा हूं, नाराज हो गए ना आप लोग, अल्लाह करे तुसी हो जाओ तो अगले इलेक्शन च सियाने भी हो जाओ, आमीन तो कह दे। मैंने कोई मशवरा नहीं देना इसलिए कि मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके लिए मैं आपसे कह सकूं कि वोट दें, और हम तो ऐसी बात करें तो कई लोग नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, इसलिए कि ये दीन मेरे नबी पाक का दीन सिर्फ मस्जिद का दीन नहीं। इंशाल्लाह आइंदा जुम्मे नजरिया पाकिस्तान बयान करूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जो कुरान नाफज होगा मस्जिद में वो कुरान कचहरी में भी नाफज होगा इंशाल्लाह, और वो कुरान नाफज होने आया है असेंबलियों में, वही कुरान नाफज होगा इंशाल्लाह, और यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। बयान करेंगे और डट के बयान करेंगे, आपको बताएंगे। बस जो बात समझा रहा हूँ फिल वक्त वो समझे, मुजरम वो नहीं जो बड़ा बन के लूटता है, मुजरम वो है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसने उसे बड़ा बनाया है, ये याद रख ले। हमारी कोई बचत नहीं होगी हमसे पूछा जाएगा, हम सारे कचहरी में खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा कि तुम बताओ तुम इनके मददगार क्यों बने थे, तुम सपोर्ट क्यों करते थे, ये पूछा जाएगा और हमने जवाब देना है। बाहर आलाम दाम पर सर मतलब जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन ने कहा,
वो उठ के हाजिर हुई, कहा हुजूर मैं इराक से आई हूँ, मेरा खावंद फौत हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दे। वो बीबी कहती है मेरा दिल था कि यतीम बच्चियों का 100 दिनार साल का लगा देंगे तो बड़ी बात है। कहती है जब मैं उनके पास गई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बताया तो वो रोने लग गए और मुझसे माफियां मांगने लगे। मैंने कहा हुजूर आप क्यों माफी मांगते हैं? तो कहने लगे इसलिए माफी मांग रहा हूं कि तू मेरी रियाया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के आना पड़ा है, मेरा काम था तेरी खबर लेता, माफ कर दे अल्लाह की रजा के लिए। उन्होंने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी 1 बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते हैं जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दे। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है, अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी, अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची, जब सवेरे आके मैंने वालिये इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत हो गए, तो इंतकाल कर गए। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी यतीम बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा और अगर गवर्नर ही से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूं, फिर भी तेरी बच्चियों के महाना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती है वो रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है, फिर मेरे जैसे लोगों को भी वो बदल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर आए, 3 बेटियां थी, एक को आवाज दी वो आई तो उसने मुंह पे हाथ रखा है, दूसरी को आवाज दी वो आई तो मुंह पे हाथ रखा है, तीसरी को आवाज दी तो मुंह पे हाथ रखा है। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चियां मुंह पे हाथ क्यों तीनों ने रखा हुआ है, क्या बात है? तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी 4 दिन हो गए मेरी बेटियां प्यास से रोटी खा रही हैं, 4 दिन हो गए, उनके मुंह से बदबू आती है इसलिए वो आपके सामने आती हैं तो मुंह पे हाथ रख लेती हैं 4 दिनों से। बीबी रो रही है, हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे तू ये रो रही है, तू रोई है, तूने मेरे घर में रह के अल्लाह की नाशुकरी की है, तू शुक्र अदा नहीं करती कि 3 वक्त प्याज और रोटी तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर मिल जाता, रो रही है और मैं आ मेरे साथ बाहर निकल तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं, आ तुझे दिखाऊं, इतनी नाशुकरी कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है रोटी पहुंच रही है और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती हैं, शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े, फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके किए, तू घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, तू अभी भी सादगी आजजी और कनात नेमत थी इन लोगों की, हमारे यहां रोज शिकवा है किस बात का, गाड़ी कोई नहीं, रोज रोना है किस बात का, बंगला कोई नहीं, रोज रोना है किस बात का, बैंक बैलेंस कोई नहीं, 10 जोड़े क्यों नहीं ईद पे आए। और ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, हमारे अंदर भी ये बात बदरजे औलब, हम रोज अपने आप को मिस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, लाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं, कभी देखो वो जो झोंपड़ियों में रहते हैं, कभी पलट के देखो लोगों की तरफ जो पैदा हुए तो आंखें कोई नहीं थी, हाथ कोई नहीं थे, पैर कोई नहीं थे, वो देखो जो पैदा हुए तो सर पे बाप का साया कोई नहीं था, कैसे कैसे लोग वक्त गुजार रहे, हम रोज आके कहते हैं कारोबार ठंडा हो गया, हालात बड़े खराब हो गए, हम बड़े मजबूर, क्या हो गया साहब? अल्लाह के दिन है सारे, अल्लाह के दिन है, वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते
करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आकाए, मुझे मौत आकाए, तेरा जिक्र करते करते